हेलो फ्रेंड्स, आप सबका JSSC डिफेंस जोन में स्वागत है। आज आप लोगों को 18 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में किस स्थान पर है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका राइट आंसर होगा सी तीसरा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्या विद्या कानुका योजना लॉन्च की है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्या विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन जाएगा? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर होगा सी भारत। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्री कांदातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? ए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बी कार्गी कॉलेज, सी स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल, डी लंदन बिजनेस स्कूल। इसका राइट आंसर होगा ए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्री कांदातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? ए पंजाब, बी दिल्ली, सी गोवा, डी बिहार। इसका राइट आंसर होगा सी गोवा। गोवा राज्य देश में पहला हर घर जल राज बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेपिडोप्टेरा प्रजाति किससे संबंधित है? ए लकड़बग्घा, बी तेंदुआ, सी इल्ली, डी तितली और कीट। इसका राइट आंसर होगा तितली और कीट। लेपिडोप्टेरा प्रजाति तितली और कीट से संबंधित है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, लेपिडोप्टेरा प्रजाति भारत में पाए जाते हैं। लेपिडोप्टेरा प्रजाति कीटों का क्रम है जिसमें कंकाल पतंगे और तितलियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य ने 2021 में होने वाली 25वीं वार्षिक स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस का आयोजन किया है? ए दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य ने 2021 में होने वाली 25वीं वार्षिक स्कॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस का आयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ए WHO, बी CGI, सी इसरो, डी IBM। इसका राइट आंसर होगा CGI। CGI स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, नीति आयोग के तहत काम करने वाले अटल इनोवेशन मिशन AIM ने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CGI के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारी का उद्देश्य अटल टिकरिंग लैब स्कूलों में एक अभिनव और सफल कार्यक्रम बनाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता CRI सूचकांक 2020 में भारत किस रैंक पर है? ए 176, बी 138, सी 129, डी 101। इसका राइट आंसर होगा 129। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता CRI सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 129 है।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट 158 देशों में भारत का स्थान 129 रखा गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। इस सूचकांक में 158वें स्थान पर काबिज दक्षिण सूडान सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 8, थैलेसीमिया से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए किसने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? ए नितिन गडकरी, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। थैलेसीमिया से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वर्ष 2017 में शुरू की गई यह योजना कोल इंडिया का HSCT कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी रोग के लिए लोगों का इलाज कराने का अवसर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के साथ वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है? ए तजाकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी तुर्किस्तान, डी अजरबैजान। इसका राइट आंसर होगा बी कजाकिस्तान। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के साथ वेबिनार और एक्सपो आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। इसका राइट आंसर होगा ए जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ए श्रीमती स्मृति ईरानी, बी श्री राजनाथ सिंह, सी श्रीमती निर्मला सीतारमण, डी श्री नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर होगा श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 17 अक्टूबर, डी 18 अक्टूबर। इसका राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किसे विशेष पुलिस बल पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? ए श्री मृणाल कांतदास, बी श्रीकांत दत्तर, सी श्री मनोज सिन्हा, डी श्री विपिन रावत। इसका राइट आंसर होगा श्री मृणाल कांतदास। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा श्री मृणाल कांतदास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिसास्टर 2000 से 2019 के अनुसार किस आपदा में डिसास्टर में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं? ए हिंद महासागर में 2004 का भूकंप हुआ सुनामी, बी हेती में 2010 में भूकंप, सी म्यांमार में 2008 में तूफान, डी चीन में 2008 में भूकंप। इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में 2004 का भूकंप हुआ सुनामी। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन कास्ट ऑफ डिसाइडर 2008-2019 के अनुसार हिंद महासागर में 2004 का भूकंप व सुनामी में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।